नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों के लिए रिलायंस पावर लिमिटेड शेयर के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों, ये शेयर अभी फिलहाल नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में दिसंबर 21 को टारगेट क्या हो सकता है, इस वीडियो पर समझेंगे। दोस्तों, आज के ट्रेडिंग सेशन में एक बहुत बढ़िया एक गिरावट यहाँ पर देखने के लिए मिली थी। दोस्तों, ये शेयर -10% का गिरावट यहाँ पर देखने के लिए मिली है। दोस्तों, ये शेयर और बहुत बड़ा एक गिरावट यहाँ पर देखने के लिए मिली है। दोस्तों, बट फिर से एक तेज़ी भी यहाँ से यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है दोस्तों, ये शेयर पर। ठीक है, अभी कल का ट्रेडिंग सेशन में दिसंबर 21 को सपोज़ यहाँ से गिरावट हुआ तो, ठीक है, यहाँ से 21.30 से गिरावट हुआ तो पहला स्टॉप लॉस रहेगा 20.95। यहाँ से भी गिरावट हुआ तो अगले जो स्टॉप लॉस रहेगा 20.60। ठीक है, ये दो स्टॉप लॉस पर आप लोग नज़र रख सकते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। यहाँ से तेज़ बन सकते हैं दोस्तों, ए शेयर 20.05 को ब्रेक किया तो ए शेयर फिर से 23.90 तक भी जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, एक मार्केट गिरावट की वजह से ए शेयर भी गिरावट हुआ है, बट कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बट आप लोग निवेश करने का टाइम आप लोग सोच कर इन्वेस्ट कीजिए, वीडियो में कुछ भी बाई और सेल करने का सलाह नहीं है दोस्तों, आप लोग सोच कर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।